नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भूमि दोष के बारे में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी, लेकिन उसमें ना कुछ इश्यू आ गया, तो आई एम जस्ट री रिकॉर्डिंग इट अगेन। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि भूमि दोष होता क्या है और उसकी रेमेडीज हैं एस्ट्रोलॉजिकल तो क्या है और क्या करते हैं। रेमेडीज तो देखिए काफी सारी चीजें में होती है और भूमि दोष की भी काफी सारी रेमेडीज है, लेकिन मैं आप लोगों को वो रेमेडी बताऊंगा जिसमें चीजें थोड़ी इजिली मैनेज हो सके। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं तो तब क्विकली एक बार चेक कर लेता हूँ कि ऑडियो सही आ रहा है या नहीं। दोस्तों अब हम बात करेंगे भूमि दोष के बारे में। तो भूमि दोष जो है वो किसी भी तरह के कर्स से हो सकता है, प्रीवियस एंसेस्टर कर्स से हो सकता है भूमि दोष। तो जनरली क्या होता है कि कोई इविल इफेक्ट है, कोई इविल स्पिरिट है जो घर पे है जिसके लिए आपके भूमि दोष हो सकता है। तो इसके लिए या तो आप इसे चेक करा लीजिए, अगर आपको पता है देन यू शुड डू दिस पर्टिकुलर रेमेडी। तो उसके लिए या तो आप घर पे एक हवन कराइए जिसमें गायत्री मंत्र का जाप हो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है वो चीज करने का तो आप ये कर सकते हैं, आप किसी भी मंदिर में जाइए जहां पे गायत्री मंत्र का जाप हो, वहां से उस हवन की भभूति लेके आए। उस भभूति को आप एक घर पे ले आए, घर पे आपके पास आपको गार्लिक लेना पड़ेगा, लहसुन, उस लहसुन को पीस के उसका रस निकाल लें। तो यू नीड टू क्रिएट गार्लिक जूस। जब आपके पास वो गार्लिक जूस होगा, आपको एक ऐसे बॉटल में डालना है जिसमें आप स्प्रे कर सके, जनरली बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप उसको यूज कीजिए और उसमें वो भभूति और वो जो रस आपने बनाया है लहसुन का या गार्लिक जूस जो आपने बनाया है, तो उसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह। उसके बाद आपको उस मिक्सचर को अपने घर के हर कॉर्नर्स में जाके स्प्रे करना है। तो जो जितने भी कॉर्नर्स हैं घर के, जितने भी घर के कॉर्नर्स हैं उन पे जाके आपको उसको स्प्रे करना है, क्योंकि कॉर्नर्स जो होते हैं उस पे इविल इफेक्ट ज्यादा होता है। तो अगर आप उन कॉर्नर्स को जाके स्प्रे करेंगे तो वहां पे उनके इविल इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। तो इसको आपको एटलीस्ट 4 से 5 दिन करना है रेगुलरली। तो इसको आप कीजिए और मुझे बताइए इसका इफेक्ट क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये रेमेडी शेयर किया है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट आया है। इसमें ये हो सकता है कि जैसे इविल इफेक्ट की वजह से आपको कुछ लाइफ में प्रोग्रेशन नहीं हो पा रहा, सॉरी, या तो कुछ भी आप काम करने जाते हैं वो उल्टा हो जाता है। लेकिन ये हर कंडीशन में नहीं मैच करता, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ। अभी आप किसी के पास चले जाएं, वो बोले अरे आपके पास ये प्रॉब्लम है, तो आइडियली लोगों के पास ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो भूमि दोष है उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इसलिए आपको चेक करना जरूरी है कि वो भूमि दोष है या कुछ और। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में भी इस तरह की प्रॉब्लम है, लेट मी डू इट, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एनालाइज के भाई भूमि दोष है भी या नहीं, तो कुछ भी ऐसे भेड़ चाल जैसे नहीं करना होता लाइफ में, आपको पहले चेक करना जरूरी है कि भूमि दोष है या नहीं। तो ये रेमेडी है भूमि दोष की जो आप। और अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है मेरे लिए, कुछ भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें या तो यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैंने इसी वीडियो में के नीचे लिंक शेयर किया है मेरे यूट्यूब चैनल, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर मैं रेगुलरली काफी एक्टिव हूँ और उस पर मैं वीडियोस बनाता हूँ और उसमें दूसरे लोग भी सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो उसके भी मैं आंसर्स करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज होती है कि आपके मन में है और किसी और ने भी वही सवाल पूछा है, तो मैंने उसका आंसर दे दिया, तो वो एक जब कम्युनिटी बन जाती है वो काफी हेल्पफुल होती है सबके लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि चीजें एक जगह रहें तो बेटर है, अगर कोई भी आंसर एंड क्वेश्चन अगर स्कैटर्ड हो तो थोड़े डिफिकल्ट होता है उसको मैनेज करने। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी सवाल करें आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो भी सवाल करें आप YouTube चैनल में भेजिए, और उस चैनल में जाके आप कोई जैसे कोई वीडियो है, जैसे ये वीडियो भी मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, तो उसमें जाके आप सवाल पूछ सकते हैं कोई भी इसके रिलेटेड हो, या आगे कुछ और वीडियो मेरे से जाते हैं जो मैं क्रिएट करूँ तो आप वो चीजें उसमें बता सकते हैं। तो लेकिन आपको ये चीज मैं दोबारा बता देता हूँ, जो भूमि दोष है वो ऐसा नहीं है कि
आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपका भूमि दोष है और आपको ये चीज करना है। जनरली पंडित क्या कहते हैं कि अरे आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, मेजरली लोगों को ये प्रॉब्लम मतलब इस तरह की फाइनेंशियल इश्यूज होती ही होती है, लेकिन उसका रिजल्ट या उसकी रेमेडी हर बार भूमि दोष है वो नहीं है। हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम जो है किसी डिफरेंट रीजन की वजह से आती है, ठीक है, इसलिए उसके चार्ट को एनालाइज करना जरूरी है और सही रेमेडी करना जरूरी है। मैं बार बार यही कहता हूँ, रेमेडी वो नहीं है जिसमें आपको लाखों खर्च करना पड़ता है, रेमेडी वो भी होती है जिसमें आपको सेल्फ रेमेडी करनी होती है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन डेडिकेशन और डिवोशन चाहिए, विश्वास चाहिए, ड्रामा नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही छोटी चीज है लेकिन लोग ये समझते नहीं है। लोग ये कहते हैं अरे यार जाके मैं जेम ले लेता हूँ जो कि 70-80 हज़ार रुपये का है, पहन लेते हैं और इफेक्ट हो जाता है। हाँ वो जेम काम करता है, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ जेम काम नहीं करता है, लेकिन उस जेम को पहनने से पहले भी आपको पता होना चाहिए कि वो जेम एक्चुअली रिजल्ट क्या देगा आपको। ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक हाउस, जनरली क्या होता है लोग एक हाउस को कैलकुलेट करके जेम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो जोड़ियक है उसका जो राशि लॉर्ड है उसका जेम बना देंगे, मतलब फर्स्ट हाउस की जेम बना दिया। फर्स्ट हाउस अगर मैं बात करूं कई चीजों में खराब है, किसी मतलब लाइफ में इवेंट्स होती हैं, उस इवेंट्स में वो फर्स्ट हाउस खराब है। अगर मैं मैरिज लाइफ को लेकर चलूं फर्स्ट हाउस खराब है, अगर मैं जॉब या सर्विस को लेकर बात चलूं फर्स्ट हाउस खराब है। तो आपको ये देखना जरूरी है वो फर्स्ट हाउस के साथ और किन किन हाउसेस के इफेक्ट लेके चल रहा है, फिर आप उसका जेम स्टोन पहनिए तो आपको अच्छा इफेक्ट है, नहीं तो चीज डामाडोली रहेगी। चलो इस वीडियो को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं, ये वीडियो था भूमि दोष के ऊपर जो हमने बता दिया है और उसकी रेमेडीज भी आपको बता दी है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल में जाकर उसको सब्सक्राइब करना है ताकि, और बेल आइकॉन है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो शेयर करूं तो आप लोगों को बस नोटिफिकेशन चले जाए। कोई भी सवाल हो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आप यूट्यूब चैनल में पूछिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीज एक जगह मेंटेन हो तो इजी रहेगा, लेकिन इट्स योर चॉइस, आप कहीं पे भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई नया है तो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप एज वेल एज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट। और जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है कि मैं किस तरह का वीडियोस बनाता हूँ। आप लोगों को कोई भी वीडियो मेरे से बनवानी है तो आप सब कमेंट भी दीजिए कि मेरे को इस बारे में जानना है, देन आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसको स्पेंड करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।